वेलकम बैक गाइस कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए सो so, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन तो इसके अंदर में आपका आप टॉपिक चल रहा था हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेंथ गेन एंड हाइपरट्रॉफी ठीक है आप सभी को पता ही है तो आज इस टॉपिक के टॉपिक खत्म होने वाला है और जो आज की क्लास है जैसे आपने देख पीछे हो तो मैं थोड़ा थमडिल थोड़ा डिफरेंट लगा आपकी बार ताकि आपको समझ में आ पाए और भी ऑडियंस रिलेट कर पाएँ बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दो रीज़न से पहला तो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं दूसरा ये कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आप किसी को ट्रेन करना चाहते हो किसी की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो चाहे आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर लो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात कर लो तो ये जो आ, कह सकते हैं नॉलेज है ना आपके बहुत काम आने वाली है बहुत ही ज़्यादा ठीक है इससे आपको हेल्प होगी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने में तो मैं शुरू करता हूँ तो आपको पता होगा मैंने पांच फैक्टर्स पढ़ा दिए थे दो फैक्टर रह गए हैं सेवन फैक्टर पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेंथ गेंस एंड हाइपर ठीक है आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा अगर कोई चीज़ भी क्लियर नहीं होगी तो मैं उसको इमेज के थ्रू या टेक्स के थ्रू आपको दिखा दूंगा ठीक है चलो तो मैंने लिख देता हूँ दोबारा क्लियर कर करके ताकि आपको समझ में आ जाए तो सेवन फैक्टर्स थे तो इन सेवन फैक्टर के अंदर अभी मैंने आपको पांच फैक्टर पढ़ा दिए हैं और अब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लास्ट के दो फैक्टर तो जो पहला जो फैक्टर है मैं अगर आपको बताऊँ तो सिक्स फैक्टर जो है वो थोड़ा सा ईजी है ज़्यादा टफ नहीं है आप कह सकते हो आ, मसल लेंथ ठीक है क्या मसल लेंथ इसको थोड़ा समय जल्दी से कवर कर देता हूँ तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अच्छा एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो लोग फर्स्ट टाइम इस क्लास को वॉच कर रहे हैं बस मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ इस क्लास को पूरा वॉच कर लेना आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और किस टॉपिक पर हमारी बात बात चल रही है ठीक है और ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ही क्या है किस पर्पज से हम सीख रहे हैं ठीक है तो देखो तो मैंने लिखा मसल लेंथ तो मसल लेंथ का कैसे आपका हाइपर ट्रॉफ स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है देखो आपने एक चीज़ सीखी थी टेंडन इंसर्शन पॉइंट कि कुछ लोगों का जो टेंडन इंसर्शन पॉइंट होता है फर्दर होता है एल्बो के और किसी का जो कुछ ज़्यादा ही पीछे होता है तो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि Uh, हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर टेंडन की जो पोजीशन है उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ में और हाइपर में क्या फर्क पड़ सकता है इसी तरीके से मसल लेंथ अब मसल लेंथ के अंदर क्या है देखो आपने बहुत देखो बहुत लोगों की जो मसल होती है वो लॉन्ग होती है ठीक है मसल लॉन्ग होती है टेंडन छोटा होता है ठीक है और व, कुछ लोगों का क्या होता है कि टेंडन में रहता है मसल छोटी तो उससे क्या होता है सिंपल सी बात को मसल का मेन काम क्या है आपका स्ट्रेंथ गेन स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड कराना तो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि स्ट्रेंथ जिस उस इंसान की ज्यादा होगी जिसके पास इसकी मसल क्या होगी लॉन्ग होगी लेंथिंग होगी मतलब लेंथिंग सॉरी लॉन्ग मसल और ठीक है तो जिसके पास मसल लॉन्ग होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो सिंपल सा एक ये फैक्टर था ठीक है कि मसल लेंथ का क्या फ़र्क पड़ता है है आपकी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी ट्राफी तो सिंपल सा है मसल ज्यादा होगी या मसल लेंथिंग लेंथ होगी मसल की ज्यादा लंबाई होगी ठीक है लॉन्ग होगी uh, हो तो क्या होगा तो आपकी जो स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी दोनों ही ज़्यादा होगी अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप ऑफ मसल फाइबर इसका क्या फ़र्क पड़ता है आपके स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी पे तो हम देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबसे पहले मैं टॉपिक एक बार जल्दी से ताकि आपको इजी हो जाए और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा बुक के अकॉर्डिंग मतलब जो बुक और या कह सकते हो तो आपके कोर्स के कंपेयर में ठीक है कोर्स में इतना नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा फिर भी बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताना चाहूँगा कुछ बातें होंगी जो आपको अभी नहीं समझ में आएंगी मतलब आ जाएंगी कुछ हद तक नहीं आएंगी उसको मैं बाद में कवर करूँगा क्योंकि वो अलग टॉपिक का पार्ट है पहले आप एक चीज़ ये समझो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मसल फाइबर टाइप मसल फाइबर टाइप या सॉरी टाइप ऑफ मसल फाइबर टॉपिक टाइप ऑफ मसल ठीक है और फाइबर्स टाइप ऑफ मसल फाइबर्स अब मुझे आप एक चीज बताओ हमारे जो मसल है हम जानते हैं भाई बंडल ऑफ फाइबर्स है, है बहुत सारे बंडल हैं इसके अंदर बहुत सारे बहुत एक बंडल है इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं फाइबर्स हैं ठीक है, है अब ये जो फाइबर्स हैं इनका काम क्या होता है सिंपल सा आपकी मूवमेंट करने में हेल्प करना बाई मसल फाइबर कब काम करते हैं जब आप मसल फाइबर आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपकी मूवमेंट और जब रिलैक्स होते हैं तो आपकी मूवमेंट होती है इतनी बात तो हमने पहले ही समझ चुके थे ठीक है बट जो मेन चीज़ है यहां पर वो है कि जो मसल फाइबर टाइप हैं वो कितने तरह के होते हैं तो देखो इसको बिल्कुल अगर सिंपल वे में इसको कैटेगराइज करा जाए तो आप ऐसे समझो दो टाइप के मसल फाइबर होते हैं जिसको हम पहला होता है हमारा स्लो ट्विच मसल फाइबर स्लो ट्विच मसल स्लो ट्विच मसल फाइबर ठीक है और एक होता है आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर ठीक है देखो अब इस चीज को समझना आप सबसे पहले इसमें ऐसे समझ लो स्लो twitch और फास्ट twitch मसल फाइबर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है देखो सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करता हूँ इनके कलर की तो जो आपके स्लो twitch मसल फाइबर होते हैं ये जनरली रेड होते हैं क्या होते हैं रेड और जो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं इनका कलर होता है कम आप कह सकते हो ऑलमोस्ट वाइट समझ लो ठीक है वाइट होते हैं अब ऐसा क्यों होता है समझो देखो मुझे एक चीज़ बताओ आपको अगर आपको पता हो बेसिक साइंस जिस हम कहते हैं मतलब जो हमने नाइन टेंथ में पढ़ी है कि जो हमारी बॉडी है ठीक है हमारी बॉडी बनी हुई है किससे बनी हुई है सेल से तो ये मान लो कि ये सेल है ठीक है अब ये मत पूछना कि सेल क्या होती है अगर आपको ये जानना है तो आपको फिर ये समझ लो नाइन टेंथ की साइंस पढ़नी पड़ेगी ठीक है तब आपको समझ में आएगा बट अगर आप फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो इस चीज़ में आपको नहीं पता तो मैं आपको बस यही कहूँगा थोड़ा इंतज़ार करो आपके लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ ताकि आपके सारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाए ठीक है तो देखो ये है मसल सॉरी ये है एक सेल तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस ठीक है ये आप सभी जानते हो गे. और जो मोस्ट ऑफ जो कंटेंट होता है हमारे सेल का वो प्रजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर ठीक है और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है जैसे एक हमारा पावर हाउस ऑफ सेल मतलब जिससे हमारे सेल को पावर मिलती है पावर हाउस जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल होता है मतलब कि ये आपकी एनर्जी बनाने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी जो एनर्जी मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस करती है इसकी हेल्प से वो करती है एटीपी इसको बोलते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल एक तरीके का एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राईफोसफेट मॉलिक्यूल ठीक है मतलब कि एडोनोसाइन के तीन फोर्सफेटो एडिनोसाइन फंक्शनल ग्रुप है जिसके साथ तीन फोस्फेट ग्रुप है मतलब कि ये ए के साथ तीन पी है फोस्फेट ग्रुप से ठीक है ये सब टेंथ में पढ़ाया जाता है अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ठीक है इतनी याद बात है अब मुझे एक चीज समझाओ आपने मैंने आपको इतनी बात बता दी कि भाई ये है ये है ये अब इसका इससे क्या रिलेशन है इससे इसका ये रिलेशन है देखो जब का सेल होता है ठीक है ये पूरी सेल पूरी बॉडी में है मतलब कि हर मसल फर, मसल फाइबर में सेल है हर ऑर्गन में सेल है मतलब सब बने ही इससे तो जो बेसिकली जो सेल है उसके अंदर और भी कंटेंट होते हैं जैसे एक टाइप का प्रोटीन होता है जिससे बोलते हैं हम मायोग्लोबिन अगर मैं स्पेलिंग कहीं मिस्टेक कर दूँ तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना मायोग्लोबिन ठीक है क्योंकि मैं बहुत गलती करता हूँ स्पेलिंग की तो ये जो मायोग्लोबिन होता है क्या होता है एक टाइप का क्या होता है प्रोटीन ठीक है क्या होता है प्रोटीन अब ये जो प्रोटीन है इसका काम होता है एक तरीके से ऑक्सीडेटिव सिस्टम को करने में हेल्प करना ठीक है ये कह सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करने में क्या करता है ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है जिसके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा जिस टाइप के फाइबर्स के अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होगा उसका कलर होगा रेड क्या होगा रेड इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं ये रेड इसलिए होते हैं कि उसके अंदर क्या होता है मायोग्लोबिन क्या होता है ज्यादा होता है जो कि क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है इतनी बात समझ में आ गई ठीक है चलो अब अगला देखो जो मैंने बोला आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर ठीक है इसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर मायोग्लोबिन कम होता है तो इसलिए क्या होता है इसका कलर क्या होता है आपका नॉर्म क्या होता है वाइट होता है तो मैं इसको सिंपल एरो बना के लिख देता हूँ मायोग्लोबिन क्या होता है कम होता है ठीक है चलो इतनी बात भी समझ आओ तो सबसे पहले अगर मैं इसमें डिफ्रेंशिएट करूँ तो सबसे पहले डिफरेंशिएट हो गया इसका कलर का ठीक है तो कलर तो हम एपीरियंस होगी देख के बता देंगे ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ आपका कि इसका फंक्शनैलिटी अगर मैं बात करता हूँ तो फंक्शनैलिटी मैं से समझो जो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं ये बहुत देर में थकते हैं ठीक है बहुत देर में फटिक होते हैं इसका मतलब क्या है इन ये बहुत ये स्लो ट्विच इसलिए है क्योंकि बहुत देर में क्या होते हैं फटिक होते हैं मतलब कि थकते हैं बट जो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं ये जल्दी क्या हो जाते हैं फटिक हो जाते हैं तो मैं अगर यहाँ पर फंक्शंस की बात करूँ मैं लिख देता हूँ जो आपके स्लो ट्विच हैं स्लो ट्विच है वो Uh, वो देर में फटिक होते हैं ठीक है ना और जो आपके फास्ट ट्विच हैं, वो जल्दी फटिक होते हैं फास्ट ट्विच वो क्या होते हैं देर में ओ, आपके जल्दी फटिक हो जाते हैं अब जो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं इनका एक फंक्शन होता है और वो क्या होता है आपके पॉस्चर को होल्ड रखना ठीक है क्या करना पॉस्चर को होल्ड करना ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था अपने एक चैप्टर के अंदर इसके अंदर जो हमारा चैप्टर था थोड़ा सा नाम याद मुझे नहीं आ रहा इसके अंदर हमने असिसमेंट्स वगैरह पढ़े थे ठीक है तो बॉडी के असिसमेंट्स करे थे उसके बारे में हमने पढ़ा था तो बेसिकली जो आपका स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो आपके पॉस्चर को होल्ड करने में क्या करता है मसल तो उसको हम पॉस्चर मसल भी बोलते हैं ठीक है फास्ट ट्विच मसल फाइबर का, का काम होता है बेसिकली आपका आप कह सकते हो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना पावर प्रोवाइड कराना स्ट्रेंथ पावर इसका एक फंक्शन और होता है एंड एक्टिविटी करने में भी क्या करता हेल्प अब एंड एक्टिविटी क्या होती है वो एक्टिविटी जिसको हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कर सकते हैं जैसे वॉक करना ठीक है और आपको पोस्चर होल्ड करने में भी एक तरीके की एक्टिविटी ही समझ लो बट इसके अंदर एक्चुअली हो गया इसके अंदर फंक्शन अगर हम बात करें फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर वर्क नहीं हो रहा बट ऐसा समझ लो सिंपल सा आपका एंडोरेंस एक्टिविटी में आपको मैं बेसिक बात दूँ तो आपका वॉक आ गया आपका जॉगिंग आ गया ये सब आपके क्या है एंडोरेंस एक्टिविटी है तो आपका एंडोरेंस एक्टिविटी करने में आपका स्लो ट्विच मसल फाइबर हेल्प करते हैं बिकॉज इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है मतलब कि ज़्यादा क्या बोल सकते हो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं ज़्यादा uh, और ये जो एनर्जी uh, जो प्रोड्यूस करते हैं ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं किस सिस्टम की वजह से ऑक्सीडेटिव सिस्टम की वजह से ऑक्सीडेटिव सिस्टम का मतलब क्या है देखो याद दिलाता हूँ याद करो मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने बोला था हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप के एनर्जी सिस्टम होते हैं पहला ऑक्सीडेटिव सिस्टम दूसरा आपका ऑक्सीडेटिव uh, हो गया सॉरी पहले बताया मैंने क्रिएटिन फोस्फेट सिस्टम दूसरा बताया मैंने ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और तीसरा बताया था, था मैंने ऑक्सीडेटिव सिस्टम ऑक्सीडेटिव सिस्टम का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी जो बनी है उसे ऑक्सीडेटिव सिस्टम बोलते हैं तो बेसिकली जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं वो जो एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम ठीक है और इसको स्लो ऑक्सीडेटिव सिस्टम भी बोल सकते हो ठीक है स्लो ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्योंकि बहुत धीरे 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 एनर्जी हमें इससे मिलती है ठीक है तो स्लो ऑक्सीडेटिव सिस्टम बोलते हैं ठीक है आपका जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है वो आपके स्लो ट्च मसल फाइबर है वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं स्लो ऑक्सीडेटिव सिस्टम अब जो आप...